हेलो हेलो, हाय एवरीवन, आवाज आ रहा है क्या मेरा? ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? मेरा आवाज आ रहा है क्या आपको? एम आई ऑडिबल? हाय हाय हाय, चलो शैल वी स्टार्ट? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ सर भाई, चलिए आवाज आ रहा है ना आपका? ओके नाउ, चलो भाई, कोई नो बोल रहा है, कोई हो बोल रहा है, मेरे को कैसे समझेगा? यूज हेडफोन। उसका आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, हाँ नहीं, हेलो हेलो, आज देखो आवाज आ रहा है क्या? प्रिया, अमेंडमेंट वीडियो जल्दी आएगा, नोट्स ग्रुप में डाल दिया ऑलरेडी, कल परसों आ जाएगा, डोंट वरी। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं, क्लियर है ना? ग्रेट। चलिए, सो हाय एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विथ रेसिडेंशियल स्टेटस। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की अपन जोरदार कोशिश करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्स वॉज बॉर्न इन कराची ऑन 2 जनवरी 1947। ही वॉज स्टेइंग इन यूएसए सिंस 1986। ही केम टू इंडिया ऑन अ विजिट ऑफ 200 डेज ऑन 10 दिसंबर 23। डिटरमाइन रेसिडेंस स्टेटस ऑफ एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, ठीक है। हेलो, आ रहा है कभी आवाज? चलो नाउ, अभी देखो, पहले अपन देखेंगे पीरियड ऑफ स्टे। कोई भी क्वेश्चन अगर को सॉल्व करना है रेसिडेंस स्टेटस का, सबसे पहले चाहिए अपने पास पीरियड ऑफ स्टे।
पीरियड ऑफ स्टे, अपना प्रीवियस ईयर है 23-24, सो वी नीड टू हैव, हेलो हेलो, अभी देखो, वी नीड टू हैव, हेलो हेलो, वॉइस लो है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हेलो 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 हेलो, आ रहे ना, ओके नाउ बताओ वो इंडिया में कब आया? वो इंडिया में 10 December 23 को, फॉर हाउ मेनी डेज? 200 दिन, बट मैंने क्लास में कहा था कि अपने को एक्चुअल स्टे चाहिए, तो 10 दिसंबर से 31 मार्च 24 ये स्टे अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ये स्टे अपने लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो बताओ कितना होगा, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो मार्च के 31, फेब 29, लीप ईयर, जनवरी 31, दिसंबर 10 तारीख को आया है, आने का समय नहीं दिया है, तो 10 को काउंट करना है, सो 31 माइनस 9, 22, तो बताओ टोटल स्टे कितना हो रहा है, 113 या 133, 113 दिन, 100, अभी नेक्स्ट टाइम से मैं लेक्चर दूसरे क्लास में लेता हूँ, यहाँ पे पता नहीं कुछ इश्यू है, तो कितना रहे नंबर ऑफ डेज, बोलो हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, 113 डेज, कितना रहे 113 डेज, ओके अभी अपन सभी प्रोविजन अप्लाई करेंगे वन बाय वन अप्लाई करेंगे, देखो अभी पहला है 182 हो रहा है क्या, नहीं, 60 and 365 हो रहा है क्या, अभी ये यूएस में रह रहा है, मतलब इंडिया में वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, मतलब उसका 365 ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 61 के हिसाब से वो नॉन रेसेंट होगा, 61A का डेटा नहीं दिया है, तो जो डेटा दिया है बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज द आंसर, नॉन रेसिडेंट, व्हाट इज द आंसर, नॉन रेसिडेंट, क्या बनेगा वो, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, उसको उसका जन्म, अच्छा इसका रिलेवेंस क्या है, कराची में जन्म हुआ है बट वो बिफोर 1947 होता तो अनडिवाइडेड इंडिया होता, ये 1947 में हुआ है, एंड एनीवे ये एक्सेप्शन में चला जाता तो 182 होता, बट इसका तो हो ही नहीं रहा है, तो इसका स्टे कितना हो रहा है, 113, व्हाट इज द आंसर, नॉन रेसिडेंट, चलो क्वेश्चन नंबर 2, सबको समझा, ऑनलाइन इनके थोड़ा आवाज बड़ा किया है, ऑनलाइन समझा आपको, फटाफट रिप्लाई करो, चलो सेकंड क्वेश्चन, एक्स 40 इयर्स एन इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 10 October 21 फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बिफोर 10 October 21 ही वॉज नेवर आउटसाइड इंडिया सिंस हिज बर्थ, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, 23-24 ही केम टू इंडिया फॉर 150 डेज एंड 195 डेज फ्रॉम 10 July, फाइंड द रेसिडेंट स्टेटस फॉर द ईयर AY 24-25, डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ एक्स कम्स टू इंडिया ऑन 10th October and not on 10th July, okay, ठीक है, अभी सबसे पहले मैंने क्या कहा है, अपने को प्रीवियस ईयर का स्टे पता होना जरूरी है, तब तक कुछ नहीं कर सकते, तो देखो स्टे दिया है क्या अपने को, दोनों साल का दिया है ना, दोनों साल का स्टे अपने को दिया है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रीवियस ईयर एंड
स्टे. तो प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23 का दिया है, कितना दिया है, 195 एंड 152. कब आए इंडिया में वो, 10 जुलाई. अच्छा, 10 जुलाई से 31 मार्च होंगे ना आराम से 195, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम? ओके, अभी अपने को प्रोविजन अप्लाई करना है. बोलो, 182 का कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? बोलो, अरे हो रहा है कि नहीं, 182 हो रहा है कि नहीं? अच्छा, पहले बताओ, इजी कवर्ड बाय एक्सेप्शन, लिविंग इंडिया इस साल होना चाहिए, ये 2021 में छोड़ के गया है. मैंने आपको क्लास में ऐसा क्वेश्चन लिया था, जहाँ पे वर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट, बच्चा बोलता है सर एक्सेप्शन, अपन स्टेटस करंट ईयर का ढूंढ रहे हैं. तो 23-24 में वो इंडिया छोड़ के गया है क्या? अरे उल्टा, इंडिया में आया है वो. वो इंडिया में क्या है, आया है. आपको समझा? तो ये एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है. तो बोलो, तो एज पर 6(1)(a) वो क्या बनेगा, रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि उसका स्टे 182 से ज्यादा है. यहां तक क्लियर है क्या सबको? बताओ, 6(1)(a) के हिसाब से क्या बन गया, वो रेसिडेंट. अभी अपने पास डेटा पूरा दिया है. आरएन बनने के बाद दो ऑप्शंस, आरओआर आरएनओआर. अगर डेटा दिया तो आगे जाना है, नहीं तो छोड़ देना है क्वेश्चन. लेकिन डेटा आपको दिया है, ऑनलाइन यहां तक बराबर है क्या, आंसर दो. देखो, डेटा दिया है कि आपको क्या बोला है, इसके पहले वो इंडिया के बाहर गया नहीं है, तो खाली 21-22 में वो इंडिया के बाहर गया, बाकी उसके पहले जितना भी था वो इंडिया में था. हाँ, 21-22 में 10 अक्टूबर को छोड़ के गया, तो 31 इस साल में वो 21-22 में 10 अक्टूबर छोड़ के गया ना, तो 21-22 में वो 1 अप्रैल से 10 अक्टूबर था, एंड उसके पहले पूरा इंडिया में था. तो बताओ, वो एडिशनल दोनों कंडीशन फुलफिल कर सकता है कि नहीं? आराम से कर सकता है. 10 में से 2 साल प्रेसिडेंट आराम से बन सकता है. 7 साल का स्टे 730 आराम से हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा? सो दिस इज द फाइनल आंसर. आपको एग्जाम में डिटेल प्रेजेंटेशन करना है, बट मैं अभी ज्यादा क्वेश्चंस लेने के लिए आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. तो उसका आंसर क्या होगा? आर ओ आर होगा. क्या होगा उसका आंसर? आर ओ आर होगा. इज दिस क्लियर? ऑनलाइन बराबर है क्या, बताओ फटाफट. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3. एक्स बिजनेसमैन, हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वेर बॉर्न इन कैनेडा. ही वॉज बॉर्न इन यूएसए, लेटर ऑन माइग्रेटेड टू कराची एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप ऑन 1st June 1946. दिस इज नॉट बॉर्न इन इंडिया, सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया. आफ्टर द डिविजन ऑफ इंडिया ही स्टेड इन पाकिस्तान, टुक पाकिस्तान सिटीजनशिप इन December 1998. From the following information, find out residential status. Find out residential status. Okay, now ये data cut कर दो. 24-25 का भी stay दिया है, but अपने काम का नहीं है. बोलो, अभी पहले बताऊं, is it covered by any exception or not? एक्सेप्शन आने के लिए क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए. वो इंडियन सिटीजन है नहीं, पाकिस्तान का सिटीजन है ना. वो पहले 1948 में पाकिस्तान का लिया, तो एज ऑफ नो कौन सा सिटीजन है? पाकिस्तान का है ना वो. पहले इंडिया का था, बट एज ऑफ नो क्या है? इज अ पर्सन ऑफ पाकिस्तान सिटीजन है, तो ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा. तो अभी आप नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई करो. बोलो, 23-24 में
182 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो 6 1 3 क्या बोलता है? 60 हो रहा है क्या? हो रहा है। एंड पिछले 4 साल में 365 हो रहा है क्या? चेक करो, टोटल लो, पिछले 4 साल में 365 हो रहा है क्या? बताओ, सब लोग आंसर दो फटाफट। कितना हो रहा है? 365 हो रहा है क्या? चलेगा ना? 365 और मोर बोला है ना, तो फिर वो क्या बनेगा बताओ? रेसिडेंट बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रीवियस ईयर एंड स्टे, सो 23 24 में कितना बोला है? 70। 22 23, 21 22, 20 21, 19 20, बराबर ना? चारों को मिलाकर कितना हो रहा है? 365 हो रहा है ना? तो बोलो कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है? 6 1 C फुलफिल कर रहा है, एंड वो क्या बनेगा? रेसिडेंट बनेगा। यहां तक सबको क्लियर कि नहीं बताओ? ऑनलाइन बोलो बराबर है क्या? नहीं, 16 6 1 A इज 182 भी है नहीं, हटा दिया पहले था। इज दिस क्लियर? तो एग्जैक्टली 365 होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर क्या होगा बोलो? रेसिडेंट तो होगा ना वो, अभी पिछला स्टे भी दिया है। अभी आपको क्या करना है, इन 10 साल में चेक करो, अगर वो 2 बार रेसिडेंट बन रहा है एंड 7 साल का स्टे 730 हो रहा है तो ROR तो चेक करो। अच्छा, इस 10 साल में 23 24 काउंट नहीं करना है, 23 24 के पहले 10 साल। तो विच 10 ईयर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप टोटल लो, बोलो रेसिडेंट बन रहा है क्या? रेसिडेंट बन रहा है, यहाँ पे एक बार बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है कि नहीं? 2 बार तो रेसिडेंट बन गया। अभी 7 साल का टोटल बताओ कितना आ रहा है? टेल मी टोटल ऑफ 7 ईयर्स। मैंने 7 ईयर्स लिख के दिया है, बस आपको टोटल लेना है। तो 60 प्लस कितना आ रहा है? 648 आ रहा है। चेक करो ऑनलाइन, टेल मी टोटल ऑफ लास्ट 7 ईयर्स। रेसेंट तो बन गया वो, टोटल बताओ कितना आ रहा है? नहीं, टोटल बताओ ना, टोटल कितना आ रहा है? मतलब यहां तक सिक्स फोर्टी एट आ रहा है, इनका 756 कैसे आ रहा है? तेईस चौबीस को नहीं लेना है, प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर है, 23 24 को नहीं लेना है। 22 23 से 7 साल, तरुषि, यश, ऋतु, भूमिका, मिस्टेक कर रहे अपन। 23 24 को 10 साल में काउंट नहीं करना है, प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर बोला है, तो प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल, पहले के 10 साल। तो कितना रहे? रेसिडेंट 2 टाइम्स आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, ये हो रहा है। लेकिन लास्ट 7 ईयर का स्टे कितना हो रहा है? 648। कितना हो रहा है? 648। तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो एज पर 66 क्या बनेगा? वो RNOR बनेगा। दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तो ROR, अदरवाइज क्या बनेगा? वो RNOR बनेगा। इज दिस क्लियर? तो इस क्वेश्चन में अपनी गलती क्या हुई? ये जो अपन 10 साल निकालते हैं, मतलब 66 में 23 24 कंसिडर नहीं होगा, 23 24 कंसिडर नहीं होगा, उसके पहले 10 साल, उसके पहले 7 साल। इज दिस क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
X was Indian citizen up to 31st March 18. With effect from 1 April, he migrated to Kenya, took citizenship of that country. मतलब आज वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, मतलब उसके लिए कोई भी एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा. एक्सेप्शन खाली इंडियन सिटीजन को अप्लाई होता है. ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली, हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन कलकत्ता, ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन साउथ अफ्रीका. इंटरनेशनल फैमिली है. नाउ आपको उसका रेसिडेंट स्टेटस ढूंढना है. चलो तो पहला अपने लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर 23-24 अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आगे का इंफॉर्मेशन अपने काम का नहीं है. बोलो तो अब चेक करो, अभी 23-24 में वो 182 हो रहा है क्या, नहीं 60 हो रहा है. यस बताओ इसके पहले 4 साल का टोटल लो, तो इन चारों का टोटल कितना हो रहा है. प्रिया तुमको कल मिल जाएंगे नोट्स, एक बार तुम ग्रुप में हाय बोल देना, मैं टीम को बोलता हूँ शेयर करने के लिए नोट्स. शायद मेरी टीम ने ड्राइव में ऐड किया है, तो मैं तुमको कल चेक करके बताता हूँ. तुम ग्रुप में बस हाय बोल दो, मैं कल भेज देता हूँ नोट्स, डोंट वरी. हाँ कितना आ रहा है, तो क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 में प्रीवियस ईयर एंड स्टे, तो 23-24 का स्टे कितना दिया है, नहीं 70 है ना, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 60. एंड लास्ट 4 इयर्स का कंबाइन कितना रहा है, 479. बोलो क्या बनेगा वो, 61 सी के हिसाब से क्या बनेगा, वो रेसिडेंट बनेगा. गाइस सबको समझा क्या मेरे को बताइए, आप ऑनलाइन समझा सबको, 6 सी के हिसाब से क्या बनेगा, वो रेसिडेंट बनेगा. अभी 10 साल का डेटा दिया है, तो 10 साल, अच्छा 10 साल निकालते समय 23-24 काउंट नहीं करना है. अभी एडिशनल कंडीशन 2 क्या है, लास्ट 10 साल में से कभी भी 2 बार रेसिडेंट एंड 7 ईयर का स्टे 730 और मोर. तो अभी चेक करेंगे अपन, यहां तक क्लियर है सबको, चलो ग्रेट. अभी देखो किधर दिख रहा है रेसिडेंट, बोलो. अरे आराम से हो जाएगा वो रेसिडेंट, क्योंकि यहां पे 181 है, उसके 4 साल में 365 हो रहे कि नहीं हो रहे. 182 के हिसाब से नहीं होगा, बट 60 और 365, ये नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं. इन चारों का टोटल 22-23 के पहले 4 साल का टोटल 365 हो रहा है क्या, वैसे आपको करना पड़ेगा. तो बन रहा है कि नहीं, 2 बार रेसिडेंट बताओ, 2 बार रेसिडेंट वो आराम से बन जाएगा. कैसे बनेगा बताओ, 22-23 में 182 है, 181 है, 182 चाहिए, लेकिन इसके पहले 4 साल चेक करो टोटल, 180 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 38, चेक करो टोटल. जिस साल में चेक करना है उसके पहले 4 साल करो, 180 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 38, 336. नो ये बन रहा है नॉन रेसिडेंट. आगे चेक करो, 180 चेक करो, 182 नहीं है ना, तो इसके पहले 4 साल, 1, 2, 3, 4, तो 21-22 के पहले 4 साल का टोटल लो, 21-22 के पहले 4 साल का 330 सेम कैसे आएगा. अच्छा तो इसमें भी नॉन रेसिडेंट है वो, आगे इसमें भी नॉन रेसिडेंट है, 58 है ना, लेस देन 60 है. यहाँ पे चेक करो, इसके पहले 4 साल में 19-22 में 60 है ना, उसके पहले 4 साल में चेक करो, हो रहा है क्या, 19-22 के पहले हो रहा है ना, तो 19-22 में वो क्या बनेगा, रेसिडेंट. आगे जाऊं देखो यहाँ पे भी बन जाएंगे वो, क्योंकि ये 4 साल का स्टे बहुत ज़्यादा है, तो कौन से 2 साल में वो रेसिडेंट आराम से बन रहा है, 19-20
एंड 17-18, तो विद इन 10 ईयर्स, 15 एंड 2 बार रेसिडेंट, अभी 7 साल का स्टे का टोटल लो, तो यहाँ पे रेसिडेंट है, यहाँ पे है. नाउ टेक टोटल ऑफ 7 ईयर्स. 7 ईयर्स में 23-24 नहीं लेना है, मेरे को सबसे आंसर चाहिए. टेल मी स्टे ऑफ लास्ट 7 ईयर्स. मतलब 16-17 तक चाहिए मेरे को. मैंने नंबर भी लिख के दिया है कौन से साथ. सब लोग आंसर दो. 8 8 70 डर के देखो. ऑनलाइन आंसर दो सब लोग. एट सेवेंटी एट. तो बोलो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या. हो रहा है. तो क्या है एडिशनल कंडीशंस. सेक्शन 6-6. प्रेसिडेंट इंडिया 2 टाइम्स एंड स्टे ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स. 878. तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो क्या बनेगा वो आर ओ आर. तो एडिशनल दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो क्या बनेगा वो आर ओ आर बनेगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन. सब लोग रिप्लाई करेंगे फटाफट. मैं आंसर शॉर्टकट में लिख के दे रहा हूँ. एग्जाम में प्रॉपर लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है. बस अभी मेरे को कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करना है, इसलिए मैं खाली कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ. ऑनलाइन सब लोग रिप्लाई करो फटाफट. करेक्ट. डन. ओके ग्रेट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ये आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन. यस थैंक यू. आइए. एक्स इंडियन सिटीजन करंटली एम्प्लॉयमेंट विथ मल्टीनेशनल कंपनी पोस्टेड नाइजेरिया. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ये 23-24 करो. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ही कम्स टू विजिट इंडिया फॉर 122 डेज. इन अर्लियर 4 ईयर्स ही इज इन इंडिया फॉर मोर देन 1000 डेज. ही वॉन्ट्स टू नो इज रेसिडेंट स्टेटस फॉर 24-25. ये 23-24 करो. ठीक है. एंड उसका इनकम भी आपको दिया है. उसका इनकम भी आपको दिया है. तो एक्स इंडियन सिटीजन है बराबर है. एंड इंडिया में कितने समय के लिए आए हैं. ओके तो क्वेश्चन नंबर 5. प्रीवियस ईयर एंड स्टे. उन्होंने क्लियर कट बोला है कि 23-24 में वो 122 दिन के लिए आया है एंड लास्ट 4 ईयर्स वो 1000 दिन के लिए इंडिया में है. ये डेटा अपने को दिया है. नाउ मैंने आपको एक क्लास में डायग्राम बना के दिया था. लाइन से डायग्राम फॉलो करना है. पहला 61A 182 हो रहा है क्या. नहीं. दूसरा 61C 60 एंड 365 हो रहा है क्या. क्या नहीं हो रहा है. हो रहा है. 60 एंड 365 हो रहा है. तो बोलो क्या आंसर होगा. अच्छा ये एक्सेप्शन में आएगा क्या. ये एक्सेप्शन में क्यों आएगा बोलो. नहीं. ये एक्सेप्शन में आएगा कि नहीं आएगा बताओ. ये विजिट के लिए आया है. वर्ड क्या हुआ है. विजिट. एंड जब ये आदमी विजिट के लिए आता है तो उसके लिए कितना होगा. 182 एंड 365 होगा. एक्सेप्शन में 60 की जगह कितना होगा. 182 एंड 365 होगा. कौन से एक्सेप्शन में कवर्ड है.
प्लस ये बंदा इंडियन सिटीजन है। तो बताओ फिर, सी फिर 61C जो बोलता है क्या है, 60 एंड 365, इसके जगह पे कितना होगा, 182 एंड 365 होगा। आपको समझा क्या? तो 60 क्यों नहीं अप्लाई होगा बोलो, बिकॉज वो इंडिया में इंडियन सिटीजन है और इंडिया में विजिट पे आया है, तो 61C अप्लाई नहीं होगा। अपने को एक्सेप्शन में जाना पड़ेगा, एंड एक्सेप्शन क्या बोलता है, 182 एंड 365। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, लेकिन जब कोई बंदा इंडिया में विजिट को आता है तो इसको और एक एक्सेप्शन है जहाँ पे 120 डेज एंड एक इनकम का क्राइटेरिया है 15 लाख। तो अगर ये क्राइटेरिया उसने फुलफिल किया तो रेसिडेंट, नहीं तो डीम रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट बनेगा। लो समझा आप सबको? तो बोलो पहले 60 एंड 365 क्यों नहीं अप्लाई किया, बिकॉज वो एक्सेप्शन में है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में विजिट करने को आया है। तो अपन कितना लेंगे, 182 एंड 365, बट 365 तो है, 1000 डेज है, लेकिन 182 नहीं है, 122 है। तो उसके हिसाब से वो नॉन रेसिडेंट बनना चाहिए था, लेकिन जो एक्सेप्शन बी है, मैंने मेरा फ्लो चार्ट देखना, जो बी एक्सेप्शन है जो विजिट में आता है तो 182 की जगह 120 होगा तो भी चलेगा, बट उसका इंडिया में इनकम 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी डेज वाइज तो कंडीशन फुलफिल है क्या बोलो, 120 चाहिए, 122 है। अभी और एक कंडीशन चेक करना है, अगर इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो रेसिडेंट, नहीं तो फिर नॉन रेसिडेंट। तो अभी अपने को इनकम पे फोकस करना है। क्लियर है क्या सबको? आप मेरा चार्ट फॉलो करना, मिस्टेक हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, बस चार्ट आपके सामने होना चाहिए। चलो तो अभी अपन देखेंगे थोड़ा ऑनलाइन थेरोटिकली, आर यू विथ मी? चलो अभी देखो उसका इनकम कौन सा है। अब इसमें डिफाइन करो इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरेंट इन नाइजीरिया, सब कुछ नाइजीरिया में, बोलो फॉरेन इनकम, इनकम फॉर बिजनेस, ये भी फॉरेन इनकम है, ड्यू आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस, एक्रूड ड्यू आउटसाइड इंडिया है, मतलब ये फॉरेन इनकम ही है। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से वो इंडियन इनकम नहीं बनता, मैं 100 बार बोल चुका हूँ, फिर भी बच्चों को खड्डे में गिरना है, ऑल द बेस्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडियन इनकम होगा, या तो रिसीव्ड या तो ड्यू, दोनों में से एक इंडिया में होना चाहिए, एनी अदर कुछ नहीं है। तो उसका इंडियन इनकम कितना है बोलो, खाली 12 लाख है, अपने को कितना चाहिए, 15 लाख। तो नहीं हो रहा है वो भी, तो क्या बनेगा, वो नॉन रेसिडेंट बनेगा। क्या बनेगा, वो नॉन रेसिडेंट बनेगा। समझा आपको? तो कितना है इंडियन इनकम, ओनली 12 लाख। तो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, वो तो और माइनस होगा, एटीसी का रिडक्शन है, वो माइनस होगा, वो तो और इनकम कम होगा, नहीं हुआ है, वो चैप्टर 11 में है। तो बोलो व्हाट इज द आंसर, यस, क्या बनेगा, वो नॉन रेसिडेंट बनेगा। और कोई कंडीशन के देखो, हाँ क्या कर सकते, नहीं, पहले आंसर क्या है, तो आगे खत्म ना विषय, तो फिर वो आगे, हाँ वही बोला मैं, ऑनलाइन एक बार चेक करो अपन ने, एक बार रिवाइज करो, अपन ने पहले क्या चेक किया, एक बार आप रिवाइज कर लो, सब लोग देख लो एक बार, सब समझा क्या, चार्ट सामने रखना मेरा। वन एटी टू से कम है तो ही अगला एक्सेप्शन आएगा, देखना नहीं बराबर है, 182 से ज्यादा है तो ऊपर ही क्वालिफाई कर देगा ना वो, तो नॉन रेसिडेंट ही है।
ओके, क्लियर है सबको? समझ में आ गया? ऑनलाइन समझा सबको? चलो, तो कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है ना? 63, 65 हो रहा है क्या? नहीं ना? 122 क्यों नहीं लेंगे अपन? वो एक्सेप्शन में है, ठीक है ना? समझा ना सबको? ऑनलाइन इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे, नेक्स्ट। एक्स साइंस इज अ फॉरेन कंपनी। पर्सन होल्डिंग मोर देन 90% ऑफ शेयर्स इन द कंपनी आर सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज दे आर रेसिडेंट। द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज कंट्रोल पार्टली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल। फाइंड आउट द रेसिडेंट स्टेटस ऑफ द कंपनी एंड नेट इनकम। अभी कंपनी के लिए रेसिडेंट स्टेटस कैसे मिलता है उसका पोएम देखना पड़ता है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पोएम पार्टली इंडिया है रेसिडेंट, पोएम फुल्ली इंडिया है रेसिडेंट, पोएम फुल्ली आउटसाइड इंडिया है नॉन रेसिडेंट। शेयर होल्डर कहाँ के इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? पोएम कहाँ पे? तो अभी कुछ हिंट उन्होंने आपको दिया है, उन्होंने हिंट दिया है आपको समझने के लिए। बोलो, बोलो आंसर क्या होगा? स्टेटस क्या होगा कंपनी का? प्रेजेंट होगा। क्यों? हाँ, द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज कंट्रोल पार्टली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल एंड 90% जो शेयर होल्डर है वो क्या है? ठीक है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑनलाइन आप बताइए ना, इस कंपनी को क्या मानेंगे अपन? बोलो, इस कंपनी को क्या मानेंगे अपन? फॉरेन कंपनी है ना, नोट चेक करो ना। फॉरेन कंपनी पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया, पोएम कहां पे मानेंगे? तो रेसिडेंट मानेंगे कि नहीं? उसको मानेंगे ना, पोएम पार्टली इंडिया। तो रेसिडेंट है तो कौन सा इनकम टैक्स होगा? इंडियन प्लस फॉरेन। रेसेंट है तो कंपनी के लिए आर ओ आर नहीं रहता है। हाँ, तो रेसेंट है तो इंडियन प्लस फॉरेन दोनों इनकम इंडिया में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। इज दिस क्लियर? तो अगर ये कंपनी रेसेंट बनती है तो क्या होगा? हाँ, तो कंपनी रेसेंट क्यों है बोलो? क्योंकि उसका पोएम कहाँ पे? इंडिया में। कैसे पता चला? उन्होंने दिया है कि बिजनेस पार्टली इंडिया से हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। इनकॉर्पोरेशन से फर्क नहीं पड़ता है ना, बस एक ही फर्क पड़ता है, अगर टर्नओवर 50 लाख के अंदर है, पर 50 करोड़, तो डायरेक्टली वो नॉन रेसिडेंट है। पर यहां पे टर्नओवर नहीं दिया ना। अपन ने पढ़ा था ना कि अगर फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से अंदर है तो डायरेक्टली वो नॉन रेसिडेंट बनती है। पर यहाँ पे टर्नओवर दिया क्या? किधर? नहीं दिया ना टर्नओवर। तो टर्नओवर नहीं दिया है तो उसका पोएम कहाँ पे मानेंगे फिर अपन? इंडिया में। तो क्वेश्चन 6 में पोएम इन इंडिया, तो रेसिडेंट स्टेटस क्या होगा? रेसिडेंट स्टेटस रेसिडेंट इन इंडिया एंड इनकम कौन सा टैक्सेबल होगा? इंडियन प्लस फॉरेन, दोनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, करेक्ट? तो ये पूरा इनकम इंडिया में क्या होगा? टैक्सेबल होगा, करेक्ट? नॉन रेसिडेंट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पोएम पूरे इंडिया के बाहर होना चाहिए। व्हाट इज पोएम? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। बट ऐसा किधर बोला नहीं है, तो इस बेसिस पे अपन ने किया है। इज दिस क्लियर?
तो इसमें से आपको क्या बस अभी ऐड करना है, बाकी क्या है ना, या तो इंडियन इनकम होगा या तो फॉरेन इनकम होगा, सभी इनकम क्या करना है आपको, ऐड करना है, क्वेश्चन खत्म। चलो लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस वेदर फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इन द हैंड्स ऑफ एक्स हु वाज इन इंडिया ड्यूरिंग द एज चॉइस फॉर 45 डेज। ये बंदा इंडिया में खाली 45 डेज था, मतलब उसका स्टेटस क्या बताऊं, फोर्टी फाइव डेज से मतलब क्या है, नॉन रेसिडेंट, एंड नॉन रेसिडेंट के लिए कौन सा इनकम टैक्सेबल है, ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल है। तो अभी आप ये ई है, ये ई पॉइंट रह गया है, ये ई पॉइंट रह गया है, ए बी सी डी ई। चलो आंसर दो, दो मिनट देता हूं, ए का आंसर क्या बताओ, मतलब अभी क्या करना है आपको, इंडियन इनकम में तो ऐड होगा, तो देखो ए कौन सा इनकम है, ऑनलाइन आंसर भेजो ए बी सी डी ई, इंडियन है तो आई भेजो, फॉरेन तो ए भेजो, इनकम में तो कुछ मत भेजना, इनकम ही नहीं है तो। हाँ, इंटरेस्ट पेड बाय एक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपन ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इंटरेस्ट देगा तो इट इज ऑलवेज डीम टू एक्रो इन इंडिया, तो ए इज विच इनकम, इंडियन इनकम, बी इंटरेस्ट पेड टू एक्स बाय वाई रेसेंट इंडिया। अच्छा अपन याद है ना, एक इंटरेस्ट का मैंने आपको बड़ा टेबल बना के दिया है, वो टेबल अपने देखना है चैप्टर के एंड में, नॉन रेसेंट इंडिया के बाहर है, उसने इंडिया में अलग अलग लोगों को लोन दिया है, अपन ने एक टेबल किया, देखो पहले गवर्नमेंट को दिया है, फिर रेसिडेंशियल रेसिडेंट को दिया है, वो टेबल सामने रखो तो आएगा। तुम लोग ऐसे मत आओ, नोट्स लेके आओ, नहीं तो क्या फायदा ऐसा के, हाँ फिर दोरस, हाँ ये भी नहीं है तो कैसे समझेंगे ना। हाँ तो ए इंडियन इनकम है, बी कौन सा है, बी आपने रेसिडेंट को लोन दिया है, उसने पैसा इंडिया के बाहर यूज किया है, तो ये इंडिया में डीम टू एक्रू नहीं माना जाएगा, ये फॉरेन इनकम होगा। आप वो टेबल देखो इंटरेस्ट का, आपको आंसर मिल जाएगा एक मिनट में। तीसरा, रॉयल्टी पेड बाय गवर्नमेंट, बात खत्म, इंडियन गवर्नमेंट जब पैसा देगा तो कौन सा इनकम, इंडियन, डी एन ई, बोलो रॉयल्टी पेड बाय टू एक्स बाय जेड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, इट इज पेड बाय जेड फॉर यूजिंग द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप बाय एक्स फॉर द पर्पज कैरिंग बिजनेस इन इंडिया, तो मतलब उसका सॉफ्टवेयर इंडिया में यूज किया है एक्स ने, तो इंडियन इनकम ही है भी। एंड लास्ट, सैलरी पेड बाय एक्स टू बाय बी एन सी रेंडरिंग सर्विस इन अमेरिका फॉरेन इनकम, तो बोलो कौन से इनकम इंडिया में टैक्सेबल होंगे, ए इंडिया, अभी वो नॉन रेसिडेंट है ना, तो ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल होंगे, मतलब कौन से, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, ओनली इतने ही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होंगे, समझा क्या आपको, दैट्स इट, इतने ना क्वेश्चंस। तो गाइस आज का सेशन ये पे समाप्त होता है, आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, आपको सबको समझ में आ गए क्वेश्चंस, ग्रेट। तो कौन सा जो इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल होगा, तो ए होगा, सी होगा, डी होगा, दैट्स इट, करेक्ट। तो गाइस थैंक यू सो मच, सेशन आज का ये पे समाप्त होता है, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू एंड बाय बाय। सबको समझ में आ गया, कल से थोड़े टॉपिक टफ था, बेसिक्स काफी इजी थे, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, नोट्स आपके सामने होने चाहिए, और ये पीडीएफ मैं एडवांस में शेयर करता हूँ, आपने पहले गो थ्रू करना चाहिए, अगर मैं ग्रो थ्रू नहीं किया तो क्या होगा,
सर सॉल्व कर रहे हैं, हम अटेंड कर रहे हैं, आपको उतना फायदा नहीं होगा। आपको उस पर पहले सोचना है, एटलीस्ट 15 मिनट पहले आप सोचो कि कैसे सॉल्व होगा, आपको रफ वर्क करके रखना है 15 मिनट पहले, बस बाकी अपन तो कर ही रहे हैं। तो आप खुद 15 मिनट भी करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी क्या हो रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, बट अपने को खुद का ब्रेन चलाने की आदत लगानी वो नहीं हो रही है। अभी सर का ब्रेन यूज हो रहा है एंड बोल रहे यस समझ में आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं। यस, पेपर में ऐसे ही आएंगे या इससे इजी आएंगे, इससे इजी आएंगे या एट पर आएंगे? सी, तुमको जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे अपने मॉड्यूल में हर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, बस तुमको ने बस बाकी समझदार हो तुम। चलो बाय बाय।